जैसे हम कमेंट्स कैसे दे सकते हैं, कमेंट्स देने से मकसद ये है कि हाउ टू कमेंट्स HTML एलिमेंट्स, ठीक है, और टेक्स्ट। कमेंट्स कैसे करेंगे, कमेंट्स करने का मतलब होता है कि अपने कोड को डिसेबल कैसे करेंगे। मतलब फॉर एग्जांपल, आपका ये कोड आपने यहाँ लिख रखा है, मैं इसके लिए बंद करता हूँ और एक दूसरा पेज ले लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ, उसका नाम रख लेता हूँ कमेंट्स डॉट एच टी एम एल। यहाँ पे एक लगा देते हैं इसको और इसके टाइटल पे लिख देते हैं कमेंट्स इन एच टी एम एल। यहाँ पे मैंने टैग लिखा एच वन का, और एच वन का टैग लिख के इसको मैंने लिखा सपोज टू बी कमेंट्स, और यहाँ पे लिख के एच टू लिया कमेंट्स टाइप। फिर यहाँ से नीचे आके मैंने पैराग्राफ लिया, उसमें लॉरम लिख दिया और उसमें और लॉरम लिख दिया, ठीक है, और इसको मैंने यहाँ से क्लिक करके कॉपी करके यहाँ पर जाके पेस्ट कर दिया, पेस्ट कर दिया। फिर यहाँ पे एच वन लगा दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया सपोज टू बी लैपटॉप, और यहाँ पर फिर पैराग्राफ करके लॉरम लिख दिया। ये मैंने कुछ यहाँ पे ऐड किया, और ये पेज मेरा कैसा नज़र आने वाला है ये आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो ये हमने यहाँ से ब्राउजर पे खोला तो ये ऐसे नज़र आ रहा है। अब लेट सपोज कमेंट्स क्या करना है, किसी कोड को मुझे डिसेबल करना है फॉर द टाइम बिंग। जैसे मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला कोड डिसेबल हो जाए, फिलहाल नज़र ना आए, तो मैं कैसे डिसेबल करूंगा इसको। देखें, अगर एक लाइन का कोड है उसको आपको डिसेबल करना है और कमेंट्स में कन्वर्ट करना है, तो आप उससे पहले लिखेंगे कैसे, लेस देन साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन टू टाइम माइनस, ये बन गया कमेंट्स का बॉक्स। अब इन दो को यहां से लेंगे कट, और जिसको कमेंट्स करना है उसके बाद इसको पेस्ट कर देंगे, वो ग्रीन होके आपको इस पर नजर आएगा वीएस कोड के अंदर। बाकी दूसरे एडिटर में ऐसा नजर नहीं आएगा, लेकिन इसमें ऐसा नजर आएगा। अब जब इधर रिफ्रेश करेंगे तो आपका वो कोड तो यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे परफॉर्म नहीं हो रहा है, हाइड हो गया। सही है, समझ में आई बात? ये तो इस तरह से आप इसका कोड कमेंट्स कर सकते हैं। ये मैंने आपको बताया है मल्टीपल लाइन कमेंट्स, कितना लाइन कमेंट्स, मतलब अगर अब मैं इसको और एक्सटेंड करूंगा तो ये देखिए मैं यहाँ तक के पैराग्राफ पे लगा देता हूँ, और देखिए ये वाला पैराग्राफ भी कमेंट्स में चला जाएगा और यहाँ पे परफॉर्म नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड मल्टीपल लाइन कमेंट्स, आप कई लाइंस को एक साथ इसके अंदर ले सकते हैं। अब हम आते हैं सिंगल लाइन कमेंट्स। सिंगल लाइन कमेंट्स कैसे करेंगे, मतलब मैं इस कोड को डिसेबल करना चाहता हूँ, ये जो लिखा हुआ है, तो पहले मुझे इसको एक लाइन में लाना होगा और इसको डिसेबल करना। अब एक लाइन में आ गया ना ये, तो डबल स्लैश, नहीं भाई ये इस पे सबल डबल स्लैश और कंट्रोल स्लैश, कंट्रोल स्लैश तो वही क्रिएट हो रहा है, माना ये जो चीज है कंट्रोल स्लैश दबाएंगे तो ये इसका शॉर्टकट हो गया, इसको कमेंट्स में कन्वर्ट कर देगा। सेम 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 यही चीज कर रहा है ना जो हम यहाँ पे लिखे। फिलहाल चलो ये भी सही है, आप इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल स्लैश दबाएंगे तो यहाँ से ये इसको कमेंट्स कर देगा इन शॉर्टकट। मतलब जितने कोड को डिसेबल करना है वहां से उसको सेलेक्ट कर लेना है और क्लिक करके उसको ऐसे करके कमेंट्स पे कन्वर्ट कर देना है। अच्छा, अब इसके बाद जो है हमारे पास कमेंट्स के लिए जो है ना, जरूरी नहीं कि आप कोड को कमेंट्स करें, मतलब आप अपनी बात भी लिख कर समझने के लिए भी लिख सकते हैं। जैसे आप ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे ये जो पैराग्राफ है ये हमारे पेज के किसी सेक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है, लेकिन ये आप अपनी समझ के लिए लिखना चाह रहे हैं, तो वहां पर आप यही काम शुरू करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे दिस सेक्शन डिस्क्राइब कमेंट्स सेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर उसका इम्पैक्ट कुछ नहीं पड़ेगा, लेकिन जब भी आप अपने कोड को दोबारा से रिव्यू करेंगे पढ़ेंगे तो आपको ये आइडिया रहेगा, अच्छा हाँ ये कोड फलां चीज के लिए लिखा गया था। मतलब अपनी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए भी आप कमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, और किसी HTML के एलिमेंट को डिसेबल करने के लिए भी आप कमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, वेदर आप उसको सिंगल लाइन कमेंट्स में करेंगे या मल्टीपल लाइन में कन्वर्ट करें, ठीक है। और इसमें एक जो EM का इस्तेमाल है, अगर हम यहाँ पे EM का एलिमेंट यूज करते हैं और उसमें अगर हमारा कुछ टेक्स्ट इसमें बीच में डाल देते हैं, जैसे कि ये टेक्स्ट मैंने इसमें डाल दिया और यहाँ पे मैंने लिखा सपोज टू बी शहाब खान, मोहम्मद शहाब खान, तो एम्फेसाइज टैग से होगा ये कि हमने कहाँ लिखा, ये
वो जो टेक्स्ट है वो इटैलिक होके और एम्फेसाइज होके आपको नजर आएगा, ठीक है? ईएम एम्फेसाइज, ये आपके जिस सेगमेंट पे आप लगाएंगे उसको इटैलिक करके आपको दिखाएगा, ठीक है? याद रखिएगा ईएम। वेदर इसका ऑल्टरनेट हम ये भी यूज करते हैं, आई भी यूज कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आई, आई का एलिमेंट यूज किया और आई को मैंने यहाँ पे इसको ऑफ कर दिया, और यहाँ पे ले जाके मैंने यहाँ पे लिख दिया सपोज टू बी नेमत उल्ला खीरियो, ठीक है? सेव कर दिया, यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया, और यहाँ पे देखिए नेमतुल्ला कीरियो भी इस तरह से लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए, और इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर देखिए इसमें फर्क क्या आ रहा है। देखिए मैं इसको साथ जोड़ भी देता हूँ और यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ, तो ये भी इसको इसी तरह से अटैलिक कर रहा है और ये भी इस तरह से अटैलिक कर रहा है, पर ये एम्फेसाइज करने के लिए यूज होता है और ये थोड़ा सा सिर्फ अटैलिक करने के लिए इस्तेमाल होता है। आगे चल के जब बूटस्ट्रैप वगैरह पढ़ेंगे तो उस पे इसकी क्लासेस का इस्तेमाल फिर और हम देखेंगे, तो उसमें आपको और तरीके से नजर आएगा। तो ये दोनों एलिमेंट इस तरह से यूज किए जा सकते हैं, जिसको आप किसी भी चीज को एम्फेसाइज करने के लिए, इटैलिक करने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है?